नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आपकी आवाज रपटे पर पानी के तेज बहाव में स्कूल जाते हुए डूबी 8 वर्षीय बच्ची। मौके पर धरना दे रहे किसानों ने रेस्क्यू करके बचाई बच्ची की जान। रपटे पर मालन नदी का पानी आने से आवागमन हुआ बाधित। सैकड़ों सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी। सप्ताह भर से पक्के पुल की निर्माण को लेकर मौके पर चल रहा किसानों का धरना। थाना कोतवाली शहर के गाँव रावली थी, यहाँ पानी ज्यादा होने के कारण इसका पैर फिसल गया और ये पानी में गिर गई, डूब गई। यहाँ काफी लोग थे जिन्होंने इसको जाके बचा लिया। हाँ, ये देखो जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे की तरफा, ये देखो कितना आवागमन, ये बहुत आवागमन है इस पे। सब आने जाने वाले लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। बच्ची रुको, एक मिनट रुको। ये सब लोग खड़े हैं यहाँ मौके पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ ये गांव वाले बहुत सेवा देते हैं। सेवा इसलिए देते हैं कि कोई जो हो आने जाने वाले लोग, वो कोई बड़ी घटना ना हो जाए। बेटा आपका नाम क्या है? हैं? अंजलि। कौन से स्कूल में, कहाँ जा रहे थे? ब्रह्मपुरी के स्कूल में जा रहे थे। कैसे कैसे जो घटना हो गई, कैसे जा रहे थे बेटा, कैसे जा रहे थे? पुल पर पानी आ रहा था ज्यादा, और फिर पैर फिसल गया। ठीक है बेटा, जो हो गया नाम चौकस होकर के जाना नहीं इस तरीके से, है ना। देखो ये बच्ची जो बता रही है कि पैर फिसलने के कारण यहाँ जो है नीचे गिर गई है। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से ये देखो कितना आवागमन है इस रास्ते पर। ये रास्ता उत्तराखंड से मुजफ्फरनगर जो जोड़ता है मालन नदी और जिले को भी जोड़ता है हमारा। देखो जी, यहाँ 11 दिन से धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन का, तो कोई सुनवाई यहाँ प्रशासन नहीं ले रहा। तो सभी से विनती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।